टॉप 10 मोस्ट बैन डॉग्स इन द वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, आज के टाइम में सब लोगों को अपने घर में पेट्स रखने का काफी ज्यादा शौक होता है। यहाँ तक कि दुनिया में सबसे पॉपुलर पेट डॉग्स को ही माना जाता है। लेकिन कुछ डॉग ब्रीड्स इतने खूंखार और जानलेवा होती हैं कि पलक झपकते ही किसी की भी जान ले सकती हैं, फिर चाहे वो इंसान उनका मालिक ही क्यों ना हो। इसलिए कुछ डॉग ब्रीड्स को काफी कंट्रीज ने बैन भी किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टॉप 10 मोस्ट बैन डॉग्स इन द वर्ल्ड के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि रैंक 1 और रैंक 2 के डॉग्स के बारे में जानकर आप लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाओगे। और अगर आप एक डॉग लवर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। नंबर 10, केन कोर्सो। इटली ओरिजिन की इस मस्कुलर डॉग ब्रीड से खतरनाक चोर या दुश्मन भी नहीं बच सकता है। यहाँ तक कि केन कोर्सो को बचपन से ही ट्रेन और सोशलाइज करना काफी ज्यादा जरूरी होता है, और अगर आप इनको ठीक से ट्रेन नहीं कर सके तो यह डॉग ब्रीड काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है। यहाँ तक कि केन कोर्सो इतने ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि अपने आसपास के अदर डॉग्स और पड़ोसियों के ऊपर भी अटैक कर देते हैं। केन कोर्सो फर्स्ट टाइम ऑनर के लिए बिल्कुल भी नहीं है, और इनको बच्चों के साथ अकेला छोड़ना काफी ज्यादा रिस्की है। केन कोर्सो एक मस्कुलर, इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव डॉग ब्रीड है। वैसे तो केन कोर्सो डॉग्स अपने मालिक के लिए काफी ज्यादा लॉयल होते हैं, लेकिन अगर इनको जरा सा भी खतरा महसूस होता है तो यह सामने वाले पर एकदम अटैक कर देते हैं, फिर चाहे वह उनका मालिक ही क्यों ना हो। और इसी वजह से केन कोर्सो को अमेरिका, यूक्रेन, बरमूडा आइलैंड, फ्रांस, बेलारूस जैसी कंट्रीज ने बैन किया हुआ है। नंबर 9, प्रेसा कैनेरियो। प्रेसा कैनेरियो को डेंजरस डॉग्स की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा जाता है। इन डॉग्स को बचपन से ही ट्रेन और सोशलाइज करवाना काफी ज्यादा जरूरी होता है, अदरवाइज प्रेसा कैनेरियो आपके पड़ोसियों और दूसरे डॉग्स के लिए काफी ज्यादा खूंखार और जानलेवा साबित हो सकते हैं, और अजनबी लोगों को देखकर उन पर एकदम अटैक कर सकते हैं। इसलिए उनको ठीक से सोशलाइज और ट्रेन करवाना काफी ज्यादा जरूरी होता है। प्रेसा कैनेरियो एक लार्ज साइज के फाइटर डॉग्स होते हैं, और अगर इनको आप ठीक से अटेंशन नहीं देंगे तो यह काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। वैसे तो ये डॉग ब्रीड अपने ऑनर के लिए काफी ज्यादा लॉयल होते हैं, लेकिन प्रेसा कैनेरियो जैसे डॉग्स फर्स्ट टाइम ऑनर के लिए बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही इनको बच्चों के साथ अकेला छोड़ा जा सकता है। प्रेसा कैनेरियो की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि यह डॉग तब तक हमला नहीं करते हैं जब तक आप इनको छेड़ो या उकसाओ नहीं, लेकिन अगर आपने इनको एक बार गुस्सा दिला दिया तो फिर आपका बच पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। और इसी वजह से प्रेसा कैनेरियो को ऑस्ट्रेलिया, इटली, यूएसए जैसी 7 कंट्रीज में बैन किया हुआ है। तो इसी के साथ बैन डॉग ब्रीड्स की लिस्ट में नंबर 8 पर है डॉबरमैन पिंचर। अगर आपके आसपास डॉबरमैन डॉग्स रहते हैं तो आपको सबसे ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि डॉबरमैन डॉग्स को गुस्सा दिलाना और छेड़ना आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम में डाल सकता है, क्योंकि डॉबरमैन डॉग्स को जरा सा भी खतरे का अंदाजा लगते ही वे काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और सामने वाले पर अटैक कर देते हैं। जर्मनी ओरिजिन के यह डॉग्स अपने मालिक के लिए काफी ज्यादा लॉयल और प्रोटेक्टिव होते हैं, और इनकी वफादारी की वजह से ही काफी लोग डॉबरमैन डॉग्स को एज अ गार्ड डॉग्स की तरह यूज करते हैं। यहाँ तक कि इनको पुलिस, मिलिट्री और सर्च एंड रेस्क्यू जैसे मिशन के लिए भी काम में लिया जाता है। अगर आप डॉबरमैन डॉग्स को ठीक से ट्रेन और सोशलाइज करें तो यह डॉग ब्रीड दुनिया में काफी ज्यादा फ्रेंडली डॉग ब्रीड भी साबित हो सकती है, लेकिन अपने गुस्से और अग्रेसिवनेस की वजह से डॉबरमैन डॉग्स काफी कंट्रीज के अंदर बदनाम, और इसी वजह से इनको रोमानिया, आयरलैंड, यूएसए जैसी 8 कंट्रीज के अंदर बैन किया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको अभी तक की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। नंबर 7, बैन डॉग। यह डॉग ब्रीड फर्स्ट टाइम ऑनर के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको बैन डॉग्स को अडॉप्ट करना है तो आपको इन पर रोज टाइम टू टाइम ध्यान देने की ज्यादा जरूरत होती है, अदरवाइज ये कभी भी अटैक कर देते हैं। वैसे तो यह डॉग्स अपने ऑनर के लिए काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव और लॉयल होते हैं, मगर लॉयल होने के साथ साथ यह डॉग ब्रीड काफी ज्यादा मस्कुलर, स्ट्रांग और गुस्सैल भी होती है। यह डॉग ब्रीड फैमिली डॉग्स की तरह बिल्कुल भी नहीं होती है, इसलिए इनको बच्चों के साथ अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। अगर आप बैन डॉग्स को ठीक से ट्रेन और सोशलाइज ना करें तो यह डॉग्स काफी ज्यादा खूंखार और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिसके कारण आपको और आपके पड़ोसियों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अपने इस गुस्सैल अंदाज की वजह से बैन डॉग्स को रोमानिया, स्विट्जरलैंड, बेलारूस, यूएसए जैसी 8 कंट्रीज में बैन किया हुआ है। नंबर 6, अमेरिकन बुलडॉग। अमेरिकन ओरिजिन की इस डेंजरस डॉग ब्रीड को अमेरिकन बुली भी कहा जाता है। अमेरिकन बुलडॉग दिखने में जितना छोटा लगता है उतना ही ज्यादा खूंखार भी है, और इसी वजह से इस डॉग्स को कई कंट्रीज में बैन किया हुआ है। अमेरिकन बुलडॉग का वजन 30 से 60 किलो तक होता है, लेकिन यह डॉग काफी ज्यादा मस्कुलर, तेज और स्ट्रांग होते हैं। अमेरिकन बुलडॉग की सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि इसके दिमाग में कब क्या चल रहा है इसको समझ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यह डॉग इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाले होते हैं।
वैसे तो अमेरिकन बुलडॉग अपने मालिक और फैमिली के लिए काफी ज्यादा लॉयल और प्रोटेक्टिव होते हैं, लेकिन इनको बच्चों से दूर रखने में ही भलाई है, क्योंकि इनको छोटे बच्चों के साथ खेलना ज्यादा पसंद नहीं होता है और इनको ज्यादा गुस्सा दिलाना और उकसाना आपके लिए काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है, क्योंकि यह डॉग्स गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, जो आपके और आपके पड़ोसियों के लिए, यहाँ तक कि आपकी फैमिली के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसी वजह से अमेरिकन बुलडॉग यानी कि अमेरिकन बुली को डेनमार्क, इटली, यूएसए, सिंगापुर, यूक्रेन, बरमूडा आइलैंड जैसी 9 कंट्रीज में बैन किया हुआ है। और इसी के साथ टॉप 10 बैन डॉग ब्रीड की लिस्ट में नंबर 5 पर है रॉटविलर। जर्मनी और रीजन की इस डॉग ब्रीड को पुलिस, मिलिट्री और सर्च एंड रेस्क्यू जैसे मिशन के लिए भी एज अ गार्ड डॉग की तरह यूज किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रॉटविलर के दांत, जबड़ा और बॉडी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। वैसे तो रॉटविलर डॉग्स अपने मालिक और फैमिली के लिए काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव, लॉयल और फ्रेंडली होते हैं, लेकिन आप यह बात जानकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाओगे कि रॉटविलर डॉग्स गुस्से में सबसे ज्यादा अटैक अपने मालिक पर ही करते हैं। रॉटविलर डॉग्स अपने आसपास किसी भी अदर डॉग्स को देखना पसंद नहीं करते हैं और अनजान लोगों को देखते ही उन पर हमला कर देते हैं। इसी वजह से इनको बचपन से ही सोशलाइज और प्रॉपर ट्रेनिंग करवाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो रॉटविलर डॉग बच्चों के साथ फ्रेंडली होते हैं, लेकिन यह गुस्से में काफी ज्यादा खूंखार हो जाते हैं। रॉटविलर डॉग्स के डेंजरस बिहेवियर के कारण इस डॉग को स्पेन, फ्रांस, इटली, यूएसए जैसी 11 कंट्रीज में बैन किया हुआ है। तो इसी के साथ टॉप 10 मोस्ट बैन डॉग्स इन द वर्ल्ड की लिस्ट में नंबर 4 पर है डोगो अर्जेंटिनो। इस डॉग ब्रीड की शुरुआत अर्जेंटीना से हुई है। डोगो अर्जेंटीना से दया और नरमी की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है, और कोई दुश्मन इनके जबड़े में फंस जाए तो फिर उसका बच पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। गुस्से में यह डॉग्स काफी तेज अटैक करते हैं, जिससे यह दुश्मन को काफी ज्यादा प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। पुराने टाइम में डोगो अर्जेंटीना को डॉग फाइटिंग जैसे खूनी खेलों के लिए ब्रीड किया गया था, क्योंकि इनका मजबूत जबड़ा और ताकतवर गर्दन इनको काफी ज्यादा खूंखार और डेंजरस बनाता है। डोगो अर्जेंटीनो अपने मालिक के लिए काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव और लॉयल होते हैं और ज्यादातर उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं, और अगर इनको जरा सा भी खतरे का अंदाजा हो जाता है तो यह डॉग काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। इसी वजह से डोगो अर्जेंटीना को स्पेन, यूके, इटली, इजराइल जैसी 15 कंट्रीज में बैन किया हुआ है। लेकिन आप यह बात जानकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाओगे कि इतने डेंजरस डॉग ब्रीड होने के बाद भी और इतनी कंट्रीज में बैन होने के बाद भी डोगो अर्जेंटीनो का नाम फ्रेंडली डॉग ब्रीड की लिस्ट में शामिल है। नंबर 3, फिला ब्राजीलेइरो। इन डॉग्स को ब्राजीलियन मैस्टिफ भी कहा जाता है, क्योंकि इनका ओरिजिन ब्राजील से है। फिला ब्राजीलेइरो को चीता और जंगली सुअर के शिकार के लिए ब्रीड किया गया था, और इनके नेचर में दया और नरमी बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर कोई जानवर या इंसान इनको उकसाता है या गुस्सा दिलाता है तो उनका बच पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। वैसे तो देखा गया है कि फिला ब्राजीलेइरो डॉग अपने मालिक के लिए काफी ज्यादा लॉयल और प्रोटेक्टिव होते हैं और उनको सेफ रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन काफी ज्यादा गुस्सा आने पर यह डॉग्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और उस टाइम ये अपने मालिक की भी नहीं सुनते हैं। अपने इसी गुस्सैल और अटैकिंग बिहेवियर की वजह से फिला ब्राजीलेइरो को डेनमार्क, स्पेन, यूके, यूएसए, इटली, नॉर्वे जैसी 16 कंट्रीज में बैन किया हुआ है। और इसी के साथ आज की हमारी टॉप 10 बैन डॉग्स इन द वर्ल्ड की लिस्ट में नंबर 2 पर है टोसा इनू। जापान की इस डॉग ब्रीड को डॉग ऑफ द समुराई भी कहा जाता है। इन डॉग्स को जापान में एक फाइटर डॉग्स के रूप में ब्रीड करवाया गया था। लार्ज साइज की इस डॉग ब्रीड को मोस्ट डेंजरस डॉग ब्रीड की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा जाता है। टोसा इनू काफी ज्यादा गुस्सैल और पावरफुल डॉग ब्रीड मानी जाती है, और यह डॉग्स अपने आसपास कोई भी अदर डॉग्स और अनजान लोगों को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते हैं। टोसा इनू गुस्से में इतने ज्यादा खूंखार और डेंजरस हो जाते हैं कि अपने जबड़े में आई हुई चीजों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं, फिर चाहे वह किसी इंसान की गर्दन ही क्यों ना हो। टोसा इनू को बचपन से सोशलाइज और प्रॉपर ट्रेनिंग करवाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज यह डॉग्स आपको और आपकी फैमिली को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। टोसा इनू डॉग्स को फ्रांस, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, इटली, यूएसए जैसी 18 कंट्रीज में बैन किया हुआ है। लेकिन आप सभी लोग टोसा इनू के बारे में एक बात जानकर काफी ज्यादा शॉक हो जाएंगे कि इतनी कंट्रीज में बैन होने के बावजूद भी टोसा इनू का नाम मोस्ट एक्सपेंसिव डॉग ब्रीड की लिस्ट में शामिल है। तो इसी के साथ टॉप 10 बैन डॉग ब्रीड्स की लिस्ट में नंबर 1 पर है अमेरिकन पिटबुल टेरियर। अमेरिका की इस डॉग ब्रीड का नाम पिटबुल इसलिए रखा गया था क्योंकि इनको पिट्स पर लड़ाई करवाई जाती थी। अमेरिकन पिटबुल टेरियर पूरी दुनिया में लोगों की जान लेने के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ तक कि कई जगहों पर इनको जानलेवा हथियारों की तरह भी यूज किया जाता है, क्योंकि इनका चौड़ा मजबूत जबड़ा इनको और ज्यादा खूंखार बनाता है। अमेरिकन पिटबुल डॉग्स काफी अच्छे हंटिंग और बॉच डॉग्स होते हैं, लेकिन इनको पालना कोई बच्चों को खेल नहीं है। यूएसए में अब तक अमेरिकन पिटबुल टेरियर की वजह से लगभग 350 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, इसलिए यूएसए में इनको पालने के लिए मना किया जाता है। इन डॉग्स में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है और ये अपने मालिक और फैमिली के लिए काफी ज्यादा लॉयल और प्रोटेक्टिव भी होते हैं, इसलिए इनको एक अच्छा गार्ड डॉग्स भी बोला जाता है।
इनके अग्रेसिव और डेंजरस नेचर होने की वजह से इनके ओनर्स को पिटबुल को बचपन से ही ट्रेन और सोशलाइज करवाना काफी ज्यादा जरूरी होता है। ऐसा काफी बार देखा गया है कि क्रिमिनल्स लोग पिटबुल को अपने बचाव के लिए भी पालते हैं। अमेरिकन पिटबुल टेरियर अगर गुस्से में आकर अपने दुश्मन या दूसरे डॉग्स को मारने की ठान ले तो फिर खुद इनके ऑनर के लिए भी इन्हें रोक पाना नामुमकिन है। अमेरिकन पिटबुल डॉग्स अपने अटैक्स और लोगों की जान लेने की वजह से पूरी दुनिया में काफी ज्यादा बदनाम है, क्योंकि दूसरों पर अटैक करना इनके खून में होता है। अपने घातक और जानलेवा बिहेवियर की वजह से अमेरिकन पिटबुल टेरियर को यूएसए, जर्मनी, स्पेन, डेनमार्क जैसी 22 कंट्रीज में पूरी तरह बैन किया हुआ है। तो दोस्तों, ये थी हमारी टॉप 10 मोस्ट बैंड डॉग्स इन द वर्ल्ड की लिस्ट। आई होप आपको यह वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक और शेयर जरूर करें। और आप इन टॉप 10 बैंड डॉग्स में से कौन सी डॉग ब्रीड को पालना पसंद करेंगे, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।